राजगढ़ जिले के नगर परिषद कुरावर में कचरा को लेकर ग्रामीण परेशान। आपको बता दें कि कुरावर नगर के शांति धाम के पास पहले से ही कचरा डालने का स्थान चयनित है, वही पहले से डाला जा रहा था, लेकिन बदबू और धुआं से कुरावर नगर वासियों को परेशानी आ रही थी। इस समस्या को देखते हुए कुरावर नगर परिषद ने निकट के गाँव ग्राम चांदबली में के कचरा डालना शुरू कर दिया है। वहीं कुरावर नगर का संपूर्ण कचरा डंप करने के लिए कलेक्टर महोदय ने कचरा घर के लिए स्थानीय जमीन को आवंटित कर दी, लेकिन ग्राम पंचायत चांदबली के स्थानीय नागरिकों का और सरपंच का ये कहना है, ग्राम पंचायत चांदबली में जिस कचरा डालने की भूमि का चयन किया है, उस भूमि के पास ही सोसाइटी के गेहूं रखने का चबूतरा है, वही सार्वजनिक ट्यूबवेल भी है, वही ग्रामीण लोग इसी ट्यूबवेल से पानी पीते हैं। अगर इस भूमि पर कचरा डाला जाएगा तो ग्रामीण भी गंदगी और धुआं से बीमारियों की चपेट में आएंगे। कुरावर से प्रमोद सिंह मठ की रिपोर्ट। कर रहे हैं जबरदस्ती, किस बात की लीडर ने इस बात के लिए कर रहे हैं ये कि वहाँ जबरन वो बना रहे हैं कचरा घर। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ गांव के पास मत बना। नहीं तो वो तो आपका कहना सही है, कचरे घर से बीमारी होगी, धुआं उठेगा, प्रदूषण होगा, फैलेगा। पानी में पानी की व्यवस्था है, पूरा गाँव का पानी यहीं से जाता, सबसे पीने का पानी लगा था पानी के सप्लाई होती है यहाँ से। और भाई यूँ कह रहे हैं पानी से क्या होता है, अब पानी जब कीटाणु जाएंगे तो बर्बाद तो जनता होगी। आपने इसका पंचनामा बना के तहसीलदार को दिया आपत्ति है हमारे पास, वो काफी दो चाचा थाने रखे ने पूरे मंगा के ला तो आपत्ति दी हम ले चल रहे चल लो पूछ लो अभी वो दूसरी भी आई नहीं था आपसे कि आप कितने साल से घर पर नहीं आते। मैं 7 साल हो गया, मुझे 7 साल हो गए कोरोना के चक्कर में, जो 2 साल बड़े वो आप ही की। हाँ, आप हाँ, है ना। हाँ, अभी आपके पास जो अभी पद आपका लेटर आ गया आपके पास। हाँ आ गया लेटर आ गया। आपने कलेक्टर में इसकी आपत्ति लगाई कि यही लगी हमने यहाँ भी लगा दी थी और अभी एजेंट साहब को भी लगा दी, कलेक्टर साहब को भी लगा दी कि साहब वहाँ जगह गलत है, जो जगह आपने चुनी है और कहीं उसको कहीं भी हटा दो आप। तो आप इसके लिए अगर नगर पंचायत कुरावर और तहसीलदार नहीं सुनता है तो आप इसके लिए कोर्ट में जाएंगे। अभी हम स्टे लेंगे, हम यूँ कह रहे हैं तुम हमें परेशान मत करो, हम स्टे लेंगे। तो आप इसके लिए कहीं पे दूसरी जगह उपलब्ध करा सकते हो? नहीं, अब इन्हें जगह कहीं भी देखो, यह जगह सरकारी हो तो वे उपलब्ध कर सकते हैं आप। तो जब हमसे जबरदस्ती कर रहे हैं तो कहीं भी जबरदस्ती कर सकते हैं। सर्वे नंबर वो ये सर्वे नंबर ये पूरा एक ही सर्वे नंबर। कितने बीघा का सर्वे नंबर? ये 7 हेक्टेयर। 7 हेक्टेयर इनने कितने हेक्टेयर जगह? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कुछ पॉइंट। तो मतलब 6 हेक्टेयर जमीन और भी बची आपकी जो सरकारी है? अभी तो बची 20 बीघा। जी 20 बीघा बची।